Hello guys, welcome to my channel. Testing it inside a mobile app. So what is MOS? Short form of operating system. अच्छा ऐसे होता है कि हमारी जो फील्ड है ना इसमें हर लफ्ज को ना बड़ा कूल करके बोला था ठीक है जैसे आप जाते हैं ना आजकल तो मॉडर्न स्कूलों में जाते हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटियों में जाते हैं ना वहां पर जाकर हमें जो है मोस्टली जो है वो हमें नजर क्या आता है कि हर लफ्ज को ना वो बड़ा कूल करके बात कर रहे होते हैं करने को वो कह रहे हैं या आप खाऊ दिस वन और खड़ाऊ रेली बोलते हैं चीजों को भाई आप लोगों के अपने स्क्रीन सिस्टम का मसला है साउंड सिस्टम का मेरी हर चीज फुल है इस पर भाई टोटली फुल की हुई है मैंने ठीक है सो अब जी जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में गेट वेल सून को अब लोग जीपीएस लिख देते हैं ठीक है जी सो व्हाट्स अप को जी व्हाट्सएप लिख देते हैं लुक्स गुड टू मी तो एनर्जीकियन लिख देते हैं ठीक है तो ये जो शॉर्ट सिस्टम है ठीक है ये तरीका का इसको वो जो है ना अक्सर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप लिख देते हैं तो ये प्रोग्रामिंग में भी आप लोगों को बहुत नजर आएगा कोडिंग में भी ठीक है तो हमने अभी इस चीज का ध्यान रखना है कि शॉर्ट एब्रीवेशन होंगी कोई ना आती हो तो मुझसे पूछ लेंगे आप लोगों ने अच्छा वॉइस कैशू मैंने ठीक कर दिया ठीक है उसके बाद जी एक क्वेश्चन है क्या साकिब उस्मान अपने ये सारे सवाल आप नोट करके रखें ठीक है ब्रेक के बाद आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस ठीक है सो आपने अगर क्लास लेट ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि आपने आफ्टर स्पेस आउट 12:18 आप लोगों के सवाल आप लेने अभी मुझे फ्लो के साथ चलने दें ताकि हम टॉपिक्स कवर कर सकें अदरवाइज ऐसे कोई टॉपिक नहीं कवर होगा ठीक है अच्छा जी ओएस मैनेजर ऑल सिस्टम सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर मोहम्मद फहीम ने बड़ा प्यारा आंसर किया मैं भी इसी पॉइंट की तरफ आने लगा था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब क्या बनता है इसका मतलब बनता है एक निजाम जो चलाता है ठीक है ये निजाम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है इसका उर्दू मतलब ये बना अब ये क्या है ठीक है iOS का अपना एक चलने का निजाम है आप देखिए iOS डिफरेंट तरीके से चलता है बहुत फैंसाई चीजें होती हैं उसके अंदर ठीक है एंड्रॉयड डिफरेंट तरीके से चलता है उसके अपने निजाम है अपना उसका नोटिफिकेशन एरिया डिफरेंट है एप्स डिफरेंट तरीके से नजर आती है बटन बैक बटन डिफरेंट हो गए आइकन्स डिफरेंट होते हैं ठीक है कॉल का तरीका थोड़ा डिफरेंट है नोटिफिकेशन के आइकन्स डिफरेंट है बेल्स डिफरेंट है ठीक है iOS में जाए तो iOS का इस तरह से डिफरेंट है तो वो जो आपको थोड़ा बहुत इन दोनों में डिफरेंट नजर आ रहा है कॉल दोनों से होती है व्हाट्सएप दोनों पे चलती है कैमरा दोनों का चलता है मेन फंक्शन सबके सेम है ठीक है लेकिन उनको दिखाने का और ऑपरेट करने का जो तरीका कार है उसको फर्क कहते हैं थोड़ा सा जो फर्क आता है ठीक है वो हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम उस पूरे कामों को इकट्ठा करके बैठा हुआ ठीक है इकट्ठा करके लेके चलता है यहां तक बात क्लियर होती है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है सो हम लोगों ने यहां पर बात सीखी कि जी इन मोबो वी हैव टू फेमस ओएस ठीक है अभी तक के लिए दो फेमस हैं जो एक क्या कहलाता है एंड्रॉइड ओएस दूसरा क्या कहलाता है iOS ठीक है iOS जो है वो आईफोन के लिए है ठीक है और जो एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड ओएस आपको उसके नाम में भी है वो एंड्रॉइड फोन के लिए ठीक है इसी तरह हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स टॉक अबाउट दोस इन लैपटॉप पीसी ठीक है जनरल कंप्यूटर्स ठीक है हमारे पास और भी ओएस है अब वो कौन कौन से हैं अल्लाह आप लोगों का भला करे आप लोगों के पास विंडोज है ठीक है मैकबुक है ठीक है उसके बाद लिनक्स है ठीक है उसके बाद क्रोम ओएस ठीक है और भी बहुत सारे ठीक है सो हमें ये पता चला कि जैसे कि एंड्रॉयड और आईफोन चलाते हुए हमें बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस नजर आता है वैसे ही आपके डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स जो आपके पास है वो चलाते हुए भी आपको अपने सिस्टम्स में डिफरेंट नजर आए ठीक है
डेस्कटॉप मतलब जो आपके छोटे मोटे पीसी पड़े हुए होते हैं घर में वो, या लैपटॉप जो आप लोगों के पास आप लेके चल फिर रहे होते हैं वो, या फिर कोई सा भी रैंडम पीसी उठा लें आप लोग, बहुत सी चीजें डेस्कटॉप का मतलब बस चले अभी 2 मिनट के लिए हम डेस्कटॉप हटा ही देते हैं आप लोगों के लिए, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सो हमें यहाँ पर दूसरी चीज का ये पता चला कि एक्चुअली में OS जो है वो डिफरेंस है, आए ये भी देख लेते हैं। अभी आपके सामने मैकबुक का OS खुला हुआ है, ठीक है, मैक का OS खुला हुआ है, ये जिसपे आप ये सारा इस वक्त लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जैसे विंडोज में जो कीबोर्ड के ऊपर विंडोज का बटन होता है, ठीक है, लेट मी शो वीडियो आ रही है, ये भी अक्सर समझ नहीं आती कि वीडियो आ रही है या नहीं आ रही। ओके, सो यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड में शायद ब्लर आ रहा होगा, यहाँ पर ये जो आपको बटन नजर आ रहा है कीबोर्ड का, तो ये ब्लर क्यों हुआ है, एक सेकंड आइएगा, चूज नो नो डॉट ब्लर अब, ओके यस। सो यहाँ पर ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये विंडोज का बटन, जब हम प्रेस करते हैं तो आपको विंडोज की एप्स डिफरेंट तरीके से नजर आती है। ये देखिए मैंने वही बटन प्रेस किया, मैक की ऐप मुझे इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है, ये मेरी मैक की एप्स है। इसी तरह जब आप बटन दबाते हैं और आप क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर आप इसको क्लिक करते हैं विंडोज पे, तो विंडोज पे क्लिक करने के बाद जब ऐप ओपन होती है तो इस तरह नीचे बॉटम बार में नजर आ रही होती है, ठीक है, राइट साइड पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, टाइम आ रहा होता है, एप्पल में यहाँ पे ऊपर आ रहा है टाइम, दिखा ये भी टाइम रहा है, दिखा ये भी नोटिफिकेशन ही रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर दिखा रहा है डिस्प्ले कलर सीधा कर लें, ये दिखा लें विंडोज में आजकल यहाँ नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का मेरा बताने का मकसद ये है कि एग्जैक्टली डिड वो सेम काम करते हैं बोलो, ठीक है, बट फीचर्स सेम है, हाँ लुक एंड फील डिफरेंट होती है। जैसे आईफोन और एंड्रॉइड में हमने डिफरेंट लुक की बात की, वैसे ही आपके विंडोज और मैक में और लिनक्स में भी लुक का फर्क होता है, काम मेजरली सेम ही होता है सबका, यहां तक चीज के लिए ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम इससे अपना कॉन्सेप्ट ग्रो करते हैं, ठीक है, हमने एक लफ्ज लिया लुक का, ठीक है, आगे नहीं लूंगा मैं, ठीक है, आगे जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो होगा यूजर इंटरफेस, ठीक है, कंप्यूटर टर्म्स भी साथ साथ सीखनी ना, हम लोग फ्रेशर्स हैं और हमने अपने आप को एक बेसिक कोर्स करना है, तो उसके अंदर हम लोग टर्म्स को सिंगुलर लेके आ रहे हैं, ठीक है, हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमें फर्क होता है, दिखने में उनके फर्क होता है, उस दिखने को कंप्यूटर टर्म में हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो जो यूजर इंटरफेस का डिफरेंस है वो OS को थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का यूजफुल बना देता है, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि भी OS बेसिकली काम सेम करते हैं, अगर मोबाइल के हैं तो मोबाइल वाले सारे काम करते हैं, लेकिन उनका यूजर इंटरफेस का फर्क होता है, ठीक है, उनकी यूजबिलिटी का फर्क होता है। सेम तरीके से लैपटॉप्स में भी डिफरेंट OS हो सकते हैं, उनकी भी यूजबिलिटी का फर्क हो सकता है। Awesome. एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ यूजर इंटरफेस का, इसके ऊपर जो भी सवाल है नोट कर लें, इंशाल्लाह ब्रेक रिविजन टाइम में हम कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट आते हैं हाउ लैपटॉप्स, सॉरी हाउ, ठीक है जी, अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये, ठीक है, ओके। सो हमें बड़ा भाई वो फैंसी कंप्यूटर चलाना आता है, मैं खोलता हूँ कंप्यूटर, डबल क्लिक करता हूँ, सलमान खान का गाना चलता है, ठीक है ना, तो बस गुड हो गया, सलमान खान एक पाँव मारता है यकदम जहां पर उन्होंने हीरोइन को बांधा होता है वो पहुंच जाता है, ठीक है, डन हो गया, बस ऑन किया है, ऋतिक रोशन के गाने सुने, ठीक है, या फिर सैड गाने सुने और सीजन्स देखे, कार्टून्स देखे, एनिमे देखे, टाइम खत्म किया, बस दैट्स ऑल वी नो व्हाट कंप्यूटर इज। यही सिखाया जाता है हमें शुरू से, जब हमें पहली पहली बार कंप्यूटर मिलता है, ऑफिस सीख लें, टाइपिंग सीख लें, ठीक है, अगर इसको कंप्यूटर पढ़ाना कहते हैं, बिलीव मी उन्होंने आप लोगों के साथ जुलम किया है, ठीक है, इसे कंप्यूटर नहीं कहते, ये जो अब आप पढ़ रहे हैं ना इसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, ये जो अब आपको बताया जा रहा है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, यूजफुल चीजें क्या होती हैं, बारी बारी अब हम उसी में हो रहे हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है। जब कंप्यूटर नए नए आए थे ना, उस वक्त ना माउस होता था, ठीक है, ना ही फैंसी कलर्स होते थे, एक ब्लैंक काली स्क्रीन होती थी, ठीक है, लमी क्विकली, जब कंप्यूटर नए नए थे ना कुछ ऐसा भी होता था।
ऐसे आपको एक स्क्रीन मिल जाती है इस तरह से, दैट्स ऑल कंप्यूटर वर्ड जब आप शुरू करते हैं। ये तो अभी भी मैंने कुछ कुछ कलर्स वगैरह लगाए हुए जिसको फैंसी किया हुआ है, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर होता था। आपने गाना चलाना है, नहीं चलेगा भाई। हाँ, आपने कोई काम करना है तो शुरू में आप टर्मिनल में काम करते थे, इस तरह से आपको कंप्यूटर शुरू में नजर आता था। आपने लॉगिन करना है, आप लफ्ज लॉगिन का लिखा करते थे, फिर यूजर का नाम देते थे कि मेरा ये यूजर नेम है, फिर पासवर्ड देते थे, ठीक है, फिर जाकर आपको उसमें एंट्री करने देता, ठीक है। शुरू में इस तरह से काम होता था, टर्मिनल के थ्रू काम होता था। फिर जी इसी टर्मिनल के ऊपर GUI आ गया, GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कौन सा कहा है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस कॉन्सेप्ट ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट ने इसी टर्मिनल को डिफरेंट तरीके से यूज करने का एक पर्सपेक्टिव हमें दिया। इसने कहा माउस की मदद से डबल क्लिक कर दो, ठीक है, तो उस फोल्डर में चले जाओ, ठीक है, अदरवाइज बिहाइंड द सीन वो टर्मिनल में क्या कर रहा होता था, वही कमांडे चला रहा होता था जो 100 साल पहले चलती थी कंप्यूटर के आने से। मैं यहां समझाने की कोशिश कर, ठीक है, ये आप देखें सीडी क्या, देखिए क्या है, डेस्कटॉप, ठीक है, ये क्या खुल गया, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को कहा मैंने कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाओ मुझे, इसने मुझे उसका ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखा दिया। आपको ये देखिए ये डेस्कटॉप नजर आ रहा है। तो अब यही काम मैं यहां से भी कर सकता हूं। मैंने कहा यहां से ग्रुप 4 की ऐप में जाओ, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, मैं ग्रुप 4 की ऐप में आ गया, ऐसे ही आ गया ना। यही चीज अगर मैं यहां पर आकर करना चाहूं तो मैं कहूंगा सीडी ग्रुप 4 ऐप में चला जा। ये मैंने डबल क्लिक किया और मैं कहां चला गया, आप ये देख सकते हैं पाथ में कि मैं डेस्कटॉप से चल के कहां पे आ गया, ग्रुप 4 ऐप। कोई वही काम रहा, ठीक है, लेकिन रेगुलर कंप्यूटर यूज इन्होंने किधर चेंज कर दिया, मोबाइल सॉरी टर्मिनल से उठा के किधर ले गए, डॉस से उठा के किधर ले गए, ग्राफिकल इंटरफेस के पास ले गए, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर होती है कि कंप्यूटर शुरू में कैसे ऑपरेट होते थे, वाया टर्मिनल। किसी को ये सवाल टर्मिनल का ना पता चला, एनीबॉडी फीलिंग लाइक टर्मिनल, एवरीथिंग, तो हमने अभी तक जो फिक्र पड़ा वो क्या बनता है, एवरीथिंग यू डू इन अ कंप्यूटर इज एक्चुअली अ टर्मिनल बेस्ड कमांड, इट डिडंट स्पीक द GUI एक्चुअली। ये फिक्र हमने बात किया, ठीक है जी। यहां पर हम लोगों ने ये बात की कि जो भी काम आप क्लिक करके करते हो या टाइप करके करते हो तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, उसके बिहाइंड द सीन आपका चल रहा होता है टर्मिनल। देखिए जो आईटी में, और कई आईटी वाले देखे हैं जो इन्होंने आगे चल के मेडिकल वाले शोबों में अपना मतलब किरदार निभाया जाता है, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग से इस बैरियर को हटा देना है कि जी मैं कुछ लर्न नहीं कर सकता, मैं तो फलानी फील्ड से हूं, मैंने तो मैट्रिक साइंस के साथ की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, मैं रियाजी को देखता हूं तो मुझे 4 दिन उल्टियां नहीं रुकती, ठीक है। इन चीजों वाली साइड से आपने अपने आप को निकाल देना है, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। सो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सो इन लैंग्वेज इफ वी टॉक अबाउट कि जी हमारे पास, हमने काफी चीजें पढ़ी, किसी को ये वाले सिंबल की टेंशन हो कि ये सिंबल क्या लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया, किसी बंदे को ये मसला हो कि ये क्या सिंबल है, पहली बार देख रहे हैं रियाजी में ये सिंबल, हमने आज तक नहीं देखा, ओके मुझे बताते जाइएगा अगर इनमें से कोई सिंबल आपने ना देखा हो, प्रोबेबली, ठीक है, प्लस भी देखा है, माइनस भी देखा है, और मे बी आप लोगों ने तकसीर देखा हो, मे बी आपने जरब भी देखा हो, मे बी आपने परसेंटेज भी देखा हो, देखा है, ओके, मे बी आपने डैश देखा हो, सॉरी डैश हो गया, मे बी आपने अंडरस्कोर देखा हो, इशारिया भी देखा होगा, ऐसे ओ हाँ, सवाल या निशान का तो आपको पता ही नहीं है, राइट,
बैंक ऑपरेटर भी आपने कभी नहीं यूज किया लाइफ में ना, टिल्डा अल्लाह माफी दे ये भी कभी नहीं यूज किया हमने, तो ये सिंबल यूज किए अल्लाह कभी भी नहीं किए, माफी अल्लाह माफी, कसमें ये सिंबल यूज करेंगे तो मारे जाएंगे, कत्ल हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक तो हमारे वो जो मैथ्स के टीचर्स हैं ना, उन्होंने भी हमेशा एक्स की कीमत क्या है से मैथ स्टार्ट करनी होती है। सो हमने देखा कि प्लस इज इक्वल टू माइनस, मैं आगे ये एरो सिंबल आप लोगों के ध्यान के लिए लगा रहा, ठीक है। और फिर हमने सीखा कि माइनस जो है वो किसके लिए, इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास अलग अलग करें आप लोगों का वी हैव फॉरवर्ड स्लैश, उसको हम लोग डिविजन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते जाइएगा आप लोगों के सारे कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट आप सर पकड़ के बैठ चुके हैं, ये तो हमें पहले भी आते हैं, ठीक है, ये तो हमने आम बातें भी की हुई है, ठीक है। तो अच्छा यस वी नीड मैथ्स, ठीक है। और ये हो गया मल्टीप्लाई का सिंपल, कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई कहता है, और ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है अलग अलग करें आप लोगों का पीरियड का सिंबल, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले इसको भी पीरियड ही बोलते हैं, ठीक है, या डॉट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट से डॉट ऑपरेटर, ठीक है। और फिर इसी तरह ये जो है वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। रियाजी में हम लोगों ने एंड ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें ये पढ़ाया गया कि इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग रियाजी में इस चीज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग और ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हमें ये भी बताया गया कि इसको हम बैंक ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, बैंक और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक सिंबल ये भी था, इसको हम लोग परसेंटेज का सिंबल बोलते थे, ठीक है, राइट। तो ये हमारे बेसिक से सिंबल्स थे, ठीक है, ये बेसिक से चीजें। इनमें से कोई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद मैथ से ना हो या लाइफ में कभी आप लोगों ने ये सिंबल ना देखे, तो ऐसा बंदा है जिसने ये सिंबल्स ना देखी, ठीक, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अब यही सीरियों की गेम है सारी हमारे पास भी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सीरियस की तरफ, शायद ना देखियो ये वाला सिंबल किसी ने देखा, या फिर ये वाला सिंबल, या फिर ये वाला सिंबल, या फिर ये वाला सिंबल, या फिर मोहम्मद रिजवान आपने टाइम देखा नहीं, हम ब्रेक दे के आ चुके हैं, 12:08 पे ब्रेक थी और 12:20 पे हमने स्टार्ट कर दिया, सॉरी 12:10 पे ब्रेक थी, 12:18 पे हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसी ने ये सिंबल पढ़े, लास्ट वाले नहीं देखे आपने, इनको अगर आप गौर करें तो ये एक्चुअली सिंबल्स हैं ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये लेसर देन, ये जो है ये क्या बना, लेसर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और ये फिर कोई बंदा ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, ग्रेटर, याद है, ये याद है, किसी को ये सिंबल्स का भी ना पता, अधिकार है आपका ड्राइंग पैड ऑन, आईडी प्लीज बंद करें, चलिए ठीक है, बस 3 से 4 सिंबल्स और रह गए, फिर थ्री और वो भी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस थ्री फोर सिंबल्स। अब जो ऐसे सिंबल हैं जो है ना वो आपको
ठीक है, शायद आपने पहले देखी, इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट बोल देते हैं, इसको हम दरमियानी ब्रैकेट बोल देते हैं, इसको हम बड़ी ब्रैकेट बोल देते हैं, याद है? किसी को ये तीन ना बताऊं, देखे हैं पहले कभी? आधी से ज्यादा कोडिंग का आप लोगों को पता है, ठीक है, और मुझे आप लोग कहते हैं आप कोडर्स नहीं है, क्या हो गया लड़कों? ये वाला जो सिंबल है अल्फा वाला करे, ये वाला जो सिंबल है अल्फा वाला करे जी, इसको हम लोग कोडिंग में किस तरह बात करते हैं? हम इसको लिखते हैं, अक्सर इसको बोलते हैं पोजेशन ब्रैकेट, ठीक है, इनवोकिंग ब्रैकेट, या फिर इसको अक्सर पोजेशन या इनवोकिंग ब्रैकेट ही बोला जाता है, ठीक है, अक्सर लोग इसको फंक्शन ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, इसको क्या बोलते होंगे? गेस करें, हम इसको दरमियानी ब्रैकेट बोलते थे, ठीक है, इसका कंप्यूटर में नाम क्या है? बॉडी। कंप्यूटर में इसका क्या नाम है? बॉडी, बॉडी ब्रैकेट, ठीक है, सादी जबान में वी कैन कॉल इट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, नेक्स्ट वुड बी दिस, इनको हम क्या बोलते थे? बड़ी ब्रैकेट, राइट। अब ये क्या कहलाएगा कंप्यूटर में? कंप्यूटर वाले टर्म्स में हम इसको अक्सर कंटेनर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स या कंटेनर ब्रैकेट्स। सिंपल हो गया, वोकैबुलरी सीख रहे हैं ना कि एक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। और भी आप लोगों ने कभी ये लफ्ज सुना हो, सुना ये लफ्ज पहले? इफ का लफ्ज सुना कभी? राइट, इफ का मतलब क्या होता है? अगर, ओके, मे बी ये सुना, मगर, ओके, मे बी ये भी सुना, और या एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, sorry, I had to cut you off. Back here, we're talking about like we have if, we have else, we have while. So we have heard this word. Sorry, हम लोगों ने sadly मुझे एक मिनट के लिए रुकना पड़ गया था. One of my seniors is here, so I had to talk with him. और आप देख रहे हैं ये भी वही आवाज निकल रही है जो उनसे बात करते हुए निकल रही थी. Let's rephrase. So हम लोग कुछ ऐसे फिक्रेंगे जो आपको कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नजर आने, तो हम उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी. वाइल का भी शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वाइल का क्या मतलब, ठीक है, जब तक, राइट, मे बी आपने ये लफ्ज भी सुना हो. भाई एक सेकेंड, ये आप हमारे से इंग्लिश की वोकैबुलरी क्यों लिख पा रहे हैं? कोई ऐसा बंदा ये फील कर रहा हो जिन्होंने तो ऑलरेडी कोड किया हुआ है ना, उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कोड नहीं किया हुआ ना, उनके लिए शायद थोड़ी नई चीज हो, ठीक है. हाँ जी, ये जो इंग्लिश के चार लव्स लिखे हैं मैंने, क्या ये फॉरेन वर्ड्स हैं? आपने कभी नहीं सुने लाइफ में, इनके मतलब नहीं आते आपको? तलहा खालिक, क्या ये चार लफ्ज आपने कभी नहीं सुने? यस, एग्जैक्टली. सो यही तो कोडिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यही तो कोडिंग में इस्तेमाल होते हैं. यू हैव टू टेल द कंप्यूटर कि अगर मेरे पास आने वाला जो लफ्ज है उसकी कीमत तीन है, तो ये करना, एल्स ये करना, जब तक कोई स्पेसिफिक काम हो ना जाए, जब तक मुझे प्यास है मैं पानी पीता रहूं,
While I am drinking, sorry, while I'm thirsty, do the drinking. Tada. ठीक है, यही तो है जी जी जी. मैं फॉर की तरफ भी आ रहा हूं, सैफुरहमान. ठीक है, स्टार्ट है. मुझे जो पेडल है ना, आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, आप फॉरन जोर नहीं लगाते हैं उसके ऊपर. यू हैव टू लाइक गो स्लो 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 स्लो, फिर कभी अक्सर हाथ उठाना भी पड़ जाता है. ठीक है, सो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि यू हैव टू गो स्लो, और चीजों को ऐसे समझे कि यार दिस इज नॉट फॉरन, दिस इज व्हाट वी डू यूजुअली एवरी सिंगल डे, हम ये काम करते हैं. ठीक है, और यही तो चीजें हैं माशाल्लाह. सो यही कोडिंग है मेरे भाइयों और मेरी बहनों. ठीक है जी, इनको हमने ऐसे ही समझ के चलना है. यही अल्फाज का जो है इंतखाब हम लोग आगे करेंगे और कोडिंग में इनको यूज करेंगे. यहां तक डन हो गया. ठीक है जी, बस देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस. हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम आपको टूलिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे जो आप लोगों ने सर्च करके आनी है, जो इंस्टॉल कर सकते हैं वो इंस्टॉल करके आएंगे. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक हो गया जी. सो आज हम लोगों ने सीखा कि लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बेसिक आज सिस्टम को क्या हुआ. ओके, सो हम लोगों ने सीखा कुछ लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे ही पता है हमें. ठीक है, कुछ अल्फाज हैं वो भी सारे ही पता है हमें. ठीक है, तो मसला क्या है? मसला है ग्रामर का. ठीक है, गर्दान का, हमें इसम नकरा का, इसम मार्फा का, हमें कोडिंग में इसम नकरा इसम मार्फा क्या होंगे, मुजक्कर मुअन्नस क्या होंगे, अल्फाज की पहचान क्या होगी. ठीक है, साउंड कैसे होंगे, ए फॉर एप्पल होगा या ए फॉर एप्पल होगा. ठीक है जी, बी फॉर बॉल होगा या बी फॉर बनाना होगा. ठीक है, सो हमने अब आगे चल के इन्हीं चीजों से ये सीखना है कि हाउ वी गोना अरेंज देम इन अ वे, निट देम इन अ वे टू मेक अ स्वेटर, टू मेक अ प्रोजेक्ट, टू मेक अ थिंग. ठीक है, सो इन्हीं चीजों को यूज करना है. ये कोई फॉरेन चीजें नहीं है, ये सारी की सारी आप लोगों को पता है. ठीक है, आगे चल के ही नहीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम थोड़े से बड़े कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे. ठीक है, सो डेली की पैडिंग से हमने आप लोगों की कोडिंग का जो ये मोन्टाज बना हुआ है ना कि जी सिर्फ रियाजी वाले ही कोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रियाजी से ताल्लुक नहीं भी रखते लेकिन वो लाइफ में ये सारी चीजें यूज करते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग यू द वेरी बेसिक कोर ऑफ कोड. ठीक है, जब आप इन चीजों से घबराना छोड़ देंगे, यू विल बी फीलिंग लाइक ओ माई गॉड आई कैन कोड एनीथिंग. ठीक है, वो क्या लफ्ज था यार, यार वो चौधरी इमरान खान साहब नहीं कहते हैं, कैसे कहते हैं वो, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा लफ्ज है जो आपको आजाद कर देता है, लेकिन मेरी बात सुने, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है. ठीक है, तो यस, घबराना नहीं है. ओके, जिस तरह की भी कोडिंग लैंग्वेज है विल से ब्रिंग इट ऑन, राइट गाइस, राइट गर्ल्स, या ब्रिंग इट ऑन, ताकि अली शियानो. ठीक है, अच्छा, तो माशाल्लाह वी लर्न दिस. और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इससे पहले ये जाना कि ओएस के वर्जन्स होते हैं, यूआई क्या होता है, कोडिंग के पीछे एक्चुअली में सारा कुछ टर्मिनल में होता है. ओह या, आई साउंड सो, आई लुक सो डिफरेंट व्हेन वी से घबराना नहीं है. ठीक है, नाम में आपके मोहम्मद जहांगीर है. ठीक है, नाम जहांगीर और बंदा रहा घबरा, क्या हो गया यार. ठीक है, हमने कुछ अपने स्केड्यूल उसके बारे में पूछा. अच्छा, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क व्हिच इज रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर और टुडेज टॉपिक, प्लीज रेज हैंड्स. रिजवान भाई, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी में, क्या इस कोर्स को करने के बाद वो बना सकते हैं खुद से? बिलीव मी, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर श्योर. एब्सोल्यूट बिगिनर इन पाइथन, इज पाइथन हैज अ रोल इन दिस कोर्स? एक तो ये बड़ा मसला है, कल भी मैंने इस क्लास के अंदर ये बात की थी कि वो खुर्शीदा आपा या रसिया आपा की बातें सुन के ना आपने शाइनी सिंड्रोम की तरफ नहीं चले जाना. यूट्यूब के ऊपर इतना बड़ा मुंह खोल के एक बंदे ने लिखा था, डू पाइथन एंड अर्न $10,000 अ मंथ, आई विल टीच यू जावा $2,000 अ मंथ.
इस तरह की इमोजीज आ रही होती हैं और बच्चे पागल होते हैं, मैंने पाइथन ना की तो मैं मर जाऊं, राइट? ऐसी आती है ना यूट्यूब के ऊपर, ऐसे हमने टुडे आई विल टीच यू दिस। अंदर वीडियो खोलो तो क्या होता है, इंडियन एक्सेंट चल रहा होता है, टुडे वी विल लर्न दिस एंड वी विल मेक दिस वन बटन एंड दिस बटन आई विल डू बटन क्लिक बटन एंड बटन एंड बटन। बच्चे क्या करें भाई, बच्चों को तो ये समझ में आनी है। अब ये जो पाइथन वाले का सवाल था ना, उसके ऊपर मैंने ये सारा मतलब हरकत की। यूट्यूब पे जाए ना, वो कहेंगे पाइथन कर लो, बहुत सकूप है, ठीक है, कम हियर बड़ी, ठीक है, यूनिवर्सिटी मेरी पूरी पाइथन में, डिग्री पूरी पाइथन में, काम पूरा पाइथन में, एंड पे मैं वेब डेवलपर बना, क्योंकि रोटी वेब डेवलपमेंट में पड़ी थी पाकिस्तान में। पाइथन को कहते थे जाओ भाई अभी 5 साल बाद जाके हमारे पाकिस्तान में आना, स्कोप उसका मैं क्या करूंगा, ठीक है। सो मजबूरन हमें पाइथन को साइड पे रखना पड़ा, कर सकते हैं लोग, ठीक है, आप बिल्कुल चीजें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो करें जिससे आपकी बेस सैलरी बनना शुरू हो, बेस इनकम, बेस नीड्स पूरे होना शुरू हो, फिर उसके बाद आप शॉप की तरफ जाए ना, ठीक है। सो इस कोर्स के अंदर पाइथन का जीरो रोल है, आई विल नॉट बी टेलिंग एनीथिंग अबाउट पाइथन, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट वर्सेस फ्लटर, कल मैंने इसके ऊपर बात की थी, ठीक है, रिएक्ट कर लेंगे, बहुत स्कोप है, फ्लटर कर लेंगे, स्कोप आ रहा है इसका, अभी है नहीं, ठीक है। रिएक्ट आप ये कोर्स अभी ये थोड़ा सा आज का लेक्चर तो बेसिक था ना, थोड़ा और एडवांस होगा, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि एक्चुअली में इस कोर्स के करने से आप लोगों को दिमाग फट जाना कि यार एक्चुअली में मैं वेब डेवलपर भी बन सकता हूँ, बैकएंड डेवलपर भी बन सकता हूँ, क्यूए भी बन सकता हूँ, यूआई यूएक्स भी बन सकता हूँ, मोबाइल इंजीनियर भी बन सकता हूँ, मोबाइल डिजाइनर भी बन सकता हूँ। इस एक कोर्स के अंदर आपको इतनी शाखें दिखाई जाएंगी। अच्छा, क्या मोबाइल एप्स बनाने के लिए हमें डिजाइन की जरूरत होती है या नहीं? बिल्कुल होती है, विल बी टीचिंग, अभी मैंने जैसे बोला आई विल बी टेलिंग यू आई एंड यू एक्स फॉर श्योर। साकिब उस्मान, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। कोर्स आउटलाइन मैंने क्लास के स्टार्ट में दिखाई थी, ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग दैट इन द ग्रुप टुडे। जावा यूज नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, बट ज्यादातर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इफ यू नीड इट यू कैन यूज इट। आई होप सो मैंने वो ज्यादा नहीं करती हूँ। माइक्रो कंट्रोलर्स आर्डुइनो पे काम करता हूँ, बहुत से केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें मैप्स की कोई टेक्निक अप्लाई होती है, तो समटाइम ऐसा फील होता है कि आई नीड अ शार्प माइंड एंड गुड इन मैथमेटिक्स, एम आई राइट? इवन MIT ऐप इन्वेंटर ने एप्स बनाई हैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, बट उसमें मुझे ऐसा फील हुआ। एग्जैक्टली, समटाइम यू थिंक सो कि यू आर नॉट शार्प माइंडेड, बिलीव मी एवरीवन हैज अ सेम माइंड, आप लोगों को अपनी टूलिंग बेहतर करनी होगी उससे, ठीक है, अपने आप के माइंड को आपने शार्प करना है। याद रखें IT के अंदर वही कामयाब है जो एक काम को डिली करता है, ठीक है, यू प्रैक्टिस विद एन एक्स एवरी डे यू विल बी सून अ बार्बेरियन एक्सर, ठीक है। वो बार्बेरियन एक्सर क्या, वो आजकल बच्चे पागल हुए हुए थे, तुर्गत उस्मान और यू विल बी अ तुर्गत ऑफ दैट एक्स, ठीक है। तो इसी तरह इंशाल्लाह यू विल बी कोडिंग विद मी, तो डेली कोड करेंगे भी बेटर। एंड्रॉइड यूज, एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करेंगे, यस विल बी, और अगर एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं भी है विल हैव अनदर सॉल्यूशन फॉर दैट। मोबाइल ऐप का डिजाइन AI 2020 से कर सकते हैं, या उसको कोडिंग के थ्रू अटैच करेंगे, सारा का सारा डिजाइन हम कोडिंग से बनाएंगे अभी शुरू में। आई बी टीचिंग यू सम फ्री टूल्स, सम एथिक्स टू वर्क विद इन एप्स, तो इंशाल्लाह यू विल बी नॉट नीडिंग टू क्रैक an AI software or buy an AI software and then work on it. Dure Subhani, you might have accidentally raised your hand. If you want to talk something, chat mein type kare, kya aapko mic pe lana hai, otherwise apna issue idhar chat pe karna, please. In 3 mahine, aap logon ne mujhse jo hai na padhai karni hai, theek hai? कोई दूसरा टीचर, कोई यूट्यूब, कोई कोर्स, कोई कोड कैंप नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ या मैं आपको लिंक ना दूँ, ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे कि जो चीज़ें मैं आपको इतना सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ, जो लिंक्स आपको दिए जा रहे होंगे वो टॉप क्लास के हाई रैंक लिंक्स होंगे और उन पर भी वही बातें हो रही होंगी, लेकिन सिंपल तरीके से।
फैसल सईद कहते हैं आयोनिक रिएक्ट क्या है, ये एक नई चीज अभी है। आयोनिक वाला मैंने जैसे कल बताया था कि मोबाइल डेवलपमेंट दो तरह की होती है, हाइब्रिड और नेटिव। हाइब्रिड में एक फ्रेमवर्क है आयोनिक, अब वो अपने अंदर रिएक्ट भी यूज करवाने में मदद दे रहे हैं, ठीक है, और ऐप बना सकते हैं उसके अंदर से। एक सेपरेट चीज है, आप अभी भूल जाए उसको। इनकम की मोटिवेशन भी ले रहे हैं इस कोर्स, ठीक है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ऐसा प्रैक्टिस कैसे पे करनी है, अभी मैं उसी तरफ आने लगा हूँ, एक मिनट और रह गया क्वेश्चंस का, तो फिर उस पे आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे थम्स अप करिए, इसे शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सको। और मैं इसी तरह से रोज नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।